So I was telling you about the friction type of friction. This will be a smooth type, जिसमें अगर हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट मूव करवाएंगे तो दैट विल मूव वेरी स्मूथली. एंड इफ वी टॉक अबाउट दिस वन, तो दिस विल बी द रफ एरिया. सो दिस इज हाउ द फ्रिक्शन वर्क. अगर स्मूदर एरिया होगा तो इट विल हैव लेस फ्रिक्शन, क्योंकि वो रब ईजिली हो जाता है. और अगर थोड़ा सा रफ एरिया होगा जस्ट लाइक इट दिस, तो इट विल बी देर विल बी मोर फ्रिक्शन, बिकॉज यहाँ पर रब करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है. ठीक है, दैट इज़ द रीज़न. आपने देखा जो हमारे शूज़ होते हैं, जो आपके स्कूल शूज़ होते हैं, उसके उस नीचे से बिल्कुल स्मूथ नहीं होते हैं. दे आर हैविंग सम अप एंड डाउन, कुछ रिजेज होते हैं ऊपर नीचे, कुछ डिज़ाइन सा बना होता है. और इसलिए बना होता है बिकॉज जब आप स्लिप करते हैं, दैट यू पीपल मोस्टली डू, जब आप स्कूल में ऐसे स्लिप करते हैं तो एक पॉइंट पर जाके आप स्टॉप कर जाते हैं. वो कैसे होता है? बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन. आपके शू और आपके जो फ्लोर है, दे आर रबिंग टुगेदर. तो आप पीछे से रब करते हुए आ रहे होते हैं, एक पॉइंट पर आके फ्रिक्शन जो है बिल्कुल उसको स्टॉप कर देती है. ठीक है, पहले स्लो करती है फिर स्टॉप करती है. यू कैन एक्सपीरियंस एट योर होम. आप अपने घर में कोई भी स्लीपर या कोई शूज़ पहने और अपने फ्लोर के ऊपर ऐसे स्लाइड करें और आप देखेंगे थोड़ी देर के लिए आप मूव करेंगे और एक पॉइंट पे आके आप स्टॉप कर जाएंगे. पहले आप फास्टली मूव करते हो, देन स्लो और फिर स्टॉप. ठीक है, सो दिस हैपन बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन. सो फ्रिक्शन हैज़ अ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस इन आवर डेली रूटीन. इट हेल्प्स टू स्लो डाउन द मोशन एंड इट्स ऑल्सो हेल्प टू फास्टन द मोशन. इट डिपेंड ऑन द टाइप्स ऑफ द मटीरियल. राइट, ये तो मैंने आपको रिवाइज करवाया. अब हम देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स क्या है नोटबुक पर. राइट, सो सी व्हाट आर द क्वेश्चन आंसर्स गिवन ऑन द बुक एंड आई विल राइट ऑन द बोर्ड एंड यू हैव टू फॉलो द सेम क्वेश्चन ऑन द नोटबुक. अच्छा जी, अब आप मुझे बताएंगे कि पेज नंबर 61 ऑफ योर बुक. सी, दिस इज द पेज नंबर 61 एंड दीज आर द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू ऑन द नोटबुक. राइट, what is friction? Can anyone of you tell me like what is friction? Yes, you are very right. Friction is the force that is produced by rubbing two objects. दो objects को rub करने से जो force produce होती है, that is friction. Good. And can anybody tell like what could be the examples of friction in our daily life? हमारी daily life में friction की क्या examples हो सकती हैं? Many of them I have already told you. While you are ironing the clothes, it's a friction. While rubbing the hand, it's a friction. जब आप घर में किचन में जब आप matchstick को rub करते हैं तो matchstick और उसमें friction की वजह से heat produce होती है और आग लगती है. ठीक है, तो that is also a friction. ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रिक्शन. अ मूविंग कार ऑन द रोड इज अ फ्रिक्शन. सो वाइल यू आर वॉकिंग ऑन द रोड, वाइल यू आर स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर, इट्स ऑल्सो अ फ्रिक्शन दैट हेल्प यू टू स्टॉप दैट. सो देर आर अलॉट ऑफ एग्जाम्पल्स इन आर डेली लाइफ. वी हैव टू राइट अबाउट 5 ऑफ दैम. So here we go, the answer of the question like what is friction? Give two examples from daily life of how friction help us. Answer will be friction is a force that is produced by rubbing two objects. It helps to stop or slow the things that are sliding past each other. And examples will be brake pad on a bike. जब bike पर हम brake pads लगाते हैं तो उसके through जो brake लगती है, that. A table pushing along the floor. अगर हम किसी table को floor पर push कर रहे हैं तो that will be the example of the friction. Next question is, what is air resistance? Give two examples. So air resistance is a type of friction. Instead of having one object rubbing against another to slow it down, air slows the objects. And the examples are falling parachute, falling paper, flying of birds. And I found one more question related to the topic friction in your exercise. Or question hai, why is it difficult to walk on a slippery floor? Agar hamare paas slippery floor hai, pani gira hua hai, to why it will be difficult to walk on that? You should know the concept behind it. Ke agar to slippery hai to friction kam hogi. Less friction ki wajah se hum
स्पीडली मूव करते हैं, और अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होती है, इसीलिए चीज़ें स्टॉप कर जाती हैं, हमसे मूव करना डिफ़िकल्ट होता है. सो ऑन द स्लिपरी फ्लोर इट विल बी डिफ़िकल्ट टू वॉक बिकॉज ऑफ द लेस फ्रिक्शन, राइट? सो दिस इज़ द क्वेश्चन, दीज आर द फ्यू क्वेश्चन दैट यू हैव टू डन ऑन द हैव टू डू ऑन द नोटबुक्स आफ्टर गेटिंग द कंसेप्ट फ्रॉम द वीडियो, राइट? This is all about today. In next class of science, we will start with the chapter topic हमारा tools and machine का है, उससे start करेंगे and we will do some question answers related to that. Till that, take care of yourself. Have a good time.